हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम मधुलिका रोहिला एंड टुडेज टॉपिक इज हाउ वी कैन रीनेम आवर पार्टिसिपेंट्स इन जूम मीटिंग ऐप। हम अपने पार्टिसिपेंट्स को जूम मीटिंग ऐप में कैसे रीनेम कर सकते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे ऑनलाइन क्लासेस पर, जूम पर टैप कर देंगे और यहाँ से एक रैंडम कोई मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं मीटिंग। ये मीटिंग स्टार्ट हो गई है। हम जाएंगे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स में। यहाँ पर जब आप पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारी लिस्ट आ जाती है। अभी नहीं आ रही है क्योंकि मैं हूँ और मैं ही हूँ सिर्फ। चलिए तो हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बताती हूँ कैसे करना है। दो मेथड हैं, पहला मेथड समझ लेते हैं, दूसरा मेथड मेरे को वर्बली ही बताना पड़ेगा। तो जैसे मैं अपने नेम पर एक बार टैप करूँगी तो आप देखिए ये रीनेम भी आ जाएगा। रीनेम पर टैप करूँगी तो मैं ये कर्सर मिल जाएगा, मैं यहाँ से टाइप कर सकती हूँ और सपोज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया मैम और ओके कर देती हूँ तो देखिए मेरा ये नेम चेंज हो गया। बिल्कुल ऐसे ही जब स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे तो टीचर चाहे तो वो खुद उनके नेम पर एक बार टैप करके उसको रीनेम कर सकती है। या फिर क्या करा जा सकता है, जब स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा होगा मीटिंग तो वो जो विंडो ओपन होती है जहाँ पर मीटिंग आईडी या पासवर्ड लिखना है, मीटिंग पासवर्ड तो बाद में लिखा जाता है, मीटिंग आईडी जो लिखनी है वहीं पर आ रहा होता है डिवाइस नेम या आपका नेम। अगर आपका नेम नहीं आ रहा है, डिवाइस का नेम आ रहा है तो आपको क्या करना है, वहाँ पर एक बार टैप करना है, कर्सर आ जाएगा, इरेज कर दीजिए वो डिवाइस के नेम को और अपना नेम एंटर करिए और उस नेम के थ्रू अपनी मीटिंग को ज्वाइन करिए। टीचर क्या कर सकती है, स्टूडेंट्स को रोल नंबर भी अलॉट कर सकती है जिससे उसके लिए अटेंडेंस लेना भी इजी हो जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि रोल नंबर 4 आया था या नहीं आया था। एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाय बाय।